क्वारंटाइन लॉज ऑफ़ पाकिस्तान अंडर क्वारंटाइन लॉज ऑफ पाकिस्तान जब आप अप्लाई uh, करते हैं जब एक एक्सपोर्टर अप्लाई करता है फॉर सर्टिफिकेशन तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है इन केस के जो प्रोडक्ट्स uh, है, हैं वो इंसेक्ट एंड पेस्ट फ्री हैं तो द इंसेक्ट एंड डिजीज फ्री कंसाइनमेंट आर सर्टिफाइड इन फॉर्म फाइव तो वो जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म फाइव के है सर्टिफिकेषन विच विच गोज अलॉन्ग कंसाइनमेंट के जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट uh, कंसाइनमेंट का उसमें फॉर्म फाइव जो है उसका एक अहम हिस्सा है कि कोई भी फूड रिलेटेड या प्लांट रिलेटेड uh, या you know, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो आप नहीं भिजवा सकते जब तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स uh, हैं उसमें फार्म फाइव शामिल ना हो एंड नो सर्टिफिकेट इशूड फॉर इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर किसी भी हवाले से आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा जो है वो इन्फेक्टेड है भले ये फ्रूट हों भले ये वेजिटेबल हों प्लांट्स हों हो प्लांट हों हो, हो, तो और ये पता चल जाता है ड्यूरिंग दुर, इंस्पेक्शन तो आपको किसी भी सूरत में सर्टिफिकेशन नहीं हो सकती आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता क्वारटाइन लॉज ऑलसो अप्लाई टू सच कंसाइनमेंट्स अंडर ट्रांजिट फ्राम पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के क्वारंटाइन लॉज हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स को ही नहीं देखते और इम्पोर्ट पे भी लागू होते हैं इसके अलावा जो इन ट्रांजिट हैं मसन आपके मुल्क में शामिल होनी है आपके मुल्क के अंदर दाखिल होनी है प्रोडक्ट यही सारी प्रोडक्ट जिसके हमने जिक्र किया जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं जो कि प्लांट रिलेटेड हैं जिसमें सीड्स प्लाट ड पल्स वीट राइस फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो सकती हैं तो ये पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं फॉर ट्रांजिट पर्पज़ तो इवन फॉर डेट एंट्री एंड एग्जिट के इसमें पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं भी होना और सिर्फ पाकिस्तान से गुजरना है राहदारी uh, के तौर पर तो उस सूरत में भी जो क्वारंटाइन लॉज हैं उसके ऊपर अप्लाई होंगे यानी इस ये ये जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से जब गुजरेंगी तो सिर्फ वही उन्हीं प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान से गुजरने की इजाजत दी जाएगी जो कि इंसेक्ट और पेस्ट फ्री हो और किसी किस्म की बीमारी के फैलने का अंदेशा ना हो उनके पाकिस्तान आने से तभी उनको इजाजत मिलेगी अदरवाइज दे कैन नॉट इवन एंटर इन पाकिस्तान फॉर ट्रांजिट परपज